हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, इंतजार का जो समय है वो खत्म हो गया है। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो डीएलएड के लिए फॉर्म भरे गए थे उसका जो रिजल्ट है वो आज ही पब्लिश कर दिया गया है। आपको जो रिजल्ट देखने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सीधे रिजल्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। और कैसे आपको चेक करना है मैं बता देता हूँ आपको। जो साइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप इस पे व्यू प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक करेंगे। इस रिजल्ट को चेक करने के लिए जो आपको डिटेल्स चाहिए वो है आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। दो चीज आप डालेंगे तो यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अपना जो स्कोर कार्ड है वो आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और आपको आपका जो एडमिशन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी आपको अंदाजा लग जाएगा। पेज पे आके आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसे डालना है, और नीचे में आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एडमिट कार्ड्स अवेलेबल करके यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो एडमिट कार्ड्स है इन्होंने एग्जाम्स दिए थे और इनका जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है उसका इस तरीके का आपको लिस्ट आएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करें। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। और एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पे आपको ऑब्टेंड स्कोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्कोर है आपको देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल रैंक देख सकते हैं, यहाँ पे ये रैंक है। इस रैंक से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका जो एडमिशन है वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कैटेगरी रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो मार्कशीट है वो आपका जो है लीगली वैलिड नहीं है। इस मार्कशीट के बेसिस पे आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी भी कॉलेज में। तो आपको जो है एक अलग से मार्कशीट बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से इशू किया जाएगा, जो आपको मिलेगा उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे, या फिर कोई आपको ऑथराइज लेटर इशू किया जाएगा जिससे आप एडमिशन ले पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का भी यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो आपका जो एडमिशन है वो NCT रिकग्नाइज्ड और बिहार बोर्ड से रिकग्नाइज्ड एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में आपका किया जाएगा 22 और 24 सेशंस के लिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि एडमिशन जो है स्टूडेंट का वो उनके ऑब्टेंड स्कोर और चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के थ्रू किया जाएगा, जो कि OFFS पोर्टल से ही भरा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने खुद ही ऑनलाइन भरा था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई जा रही है। अगर कैंडिडेट ने किसी भी तरीके की कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी होगी तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे जो कैटेगरी है कास्ट कैटेगरी, वो भी कैंडिडेट्स ने खुद ही भरी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है उनका जो रैंक है वो बनाया गया है। और बाकी जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अभी चलेगी, तो उसके बाद ही जो है इसका जो OFSS पोर्टल पे ही एडमिशन के लिए निकाला जाएगा, तब आप ऑनलाइन अप्लाई करके एडमिशन ले पाएंगे। तो इस तरीके से अपना जो रिजल्ट है ज़रूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या आपने मार्क्स स्कोर किए हैं और आपका जो ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।